अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब मैं सज्जाद फैलावत और मेरे कैमरामैन मंजूर जमील। तो हमारे साथ दो चेहरे आप देख सकते हैं। तो बहुत बार हमने कोशिश की है, तो ये व्लॉगर्स हैं, ये राजौरी से ताल्लुक़ रखते हैं। पिछले तकरीबन 1.5 साल से इनको हम फॉलो कर रहे हैं और बहुत बार हमने इनको दावत दी तो इनके पास समय नहीं था। तो आज इनके पास थोड़ा सा समय मिला और हमारे इलाके में आए, हमारे घर में आए। तो शुक्रिया साइमा जी और वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें यहाँ बुलाया और हम रात को रे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे आके। खासकर आपका जो खाना होता है वो तो सबसे अच्छा होता है, सबसे डिफरेंट होता है। हम लोग जितना भी रजौरी में कश्मीरी खाना ऑर्डर करके भी मंगाए लेकिन हमें वहाँ पे स्वाद नहीं आता है। बिल्कुल जो रियल कश्मीरी स्वाद है वो हमें आपके घर में ही मिला है। तो माशाल्लाह हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपसे मिल के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ बिल्कुल साइमा, आपका दिमाग बहुत तेज़ है। तो आपने खाने के बारे में पूछा, यहाँ का जो खान पान है कश्मीरी कल्चर का खाना, उसके बाद यहाँ की नमकीन चाय, उसके बारे में हमसे आपने पूछा। तो आपने जानना चाहा, हमने आपको बता दिया है। तो कैसे चाय बनती है, कैसे ये वाजवान बनता है, तो उम्मीद करेंगे कि आप वहाँ कोशिश करोगे। उसके बाद पंच राजौरी के जितने भी लोग हैं वो भाई लोग भी जान लेंगे, वो बहनें भी जान लेंगे और वो भी कोशिश करेंगे ये बनाने की। तो कैसा लगा आपको और क्या आप ट्राई करोगे घर में? जी हमें तो बहुत अच्छा लगा, हम चाहे जितनी भी कोशिश करें लेकिन कश्मीरी टाइप का खाना और नॉन चाय हम लोग कभी नहीं बना सकते, ये हम लोग जितनी मर्जी मेहनत करें। तो यहाँ पे और बेकरी बिस्किट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, सुबह टेस्ट की बहुत बहुत अच्छे, बहुत मज़ा आया खाने में। मतलब बिल्कुल ओरिजिनल चीज़ें, कोई भी फेकनेस नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल ब्रांड, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत सारा टेस्ट इनके अंदर होता है, बहुत ही मज़ा आता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग भी ऐसा टेस्ट, ऐसा ही चीज़ें हम घर में बना सकें, लेकिन मुश्किल है, मुझे नहीं लगता ऐसा हो सके क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं। तो हम लोग पहाड़ी तरीके से खाना बनाएंगे, मसाले वसाले कम डालेंगे लेकिन आप यह स्वाद हम नहीं डाल पाएंगे। तो साइमा जी एक और बात, आपने ये पेड़ देखे, ये सेब के पेड़ है। जी जी हाँ, तो ये इटालियन वैरायटी है। अच्छा, इटली के हैं ये। ये हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। तो ये इटली की वैरायटी है। जी जी। तो कैसा लगा आपको, कैसे आप इनको, हाउ डू यू रेट देम? देखो सेब जो अभी तो लगा नहीं है, अभी तो फिलहाल ये फूल रहे हैं, अभी इनके नीचे जो गुलाब मतलब फूल ही लग रहे हैं। जब ये फूल जाएंगे, जब इनको टेस्ट करेंगे तब भी हम रेट दे पाएंगे। हाँ। ऐसे नहीं दे पाएंगे जब तक हम टेस्ट ना करें। बिल्कुल सही बात है। और ये आपके दाएं की बात अगर हम करेंगे, ये कीवी का पौधा, ये कीवी का पौधा है। मैंने फर्स्ट टाइम देखा है कीवी। बिल्कुल ये कैमरामैन ने दिखा दिया। उसके बाद आड़ू है, आड़ू आपके इलाके में है? आपके इलाके की और हमारे इलाके की, जैसे आप बोलते हैं कि पहाड़ी में इसको क्या बोलते हैं, रवाड़े, और हम चनन बोलते हैं। चनन। हाँ बिल्कुल। तो ये हमारे साथ थी साइमा जी, शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, आपने इतना समय दे दिया, थैंक यू साइमा जी। वेलकम जी, वेलकम। और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इनवाइट किया और हमें बहुत अच्छा लगा आपके घर रह के। और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह फिर वापस आएंगे, फिर आपके यहाँ एरिया को और हम रिकवर करेंगे और बाकी लोगों को भी दिखाएंगे। अभी इस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं क्योंकि कुछ अर्जेंट काम जो हमें घर पड़ गया था, हमें जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम पक्का आएंगे और आपको और बहुत कुछ दिखाएंगे। चलो आएंगे नेक्स्ट मंथ। थैंक यू वसीम एंड साइमा, शुक्रिया आपका।